हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संदीप मंडल और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग एसएम एंड फिशिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग जो है फिश बॉल को कम्प्लीटली कैसे क्लीन कर सकते हो। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि फिश बॉल को कम्प्लीट क्लीन कैसे करें, वो टूटने का बहुत डर रहता है और हम कितने वक्त में क्लीन करना चाहिए। तो और ऊपर से मैं एक और बात बता दूं आपको, बहुत लोगों का ये भी कंप्लेंट रहता है और एक्चुअली मैं भी अग्री करता हूँ कि फिश बॉल में जो है मछलियाँ नहीं रखनी चाहिए। वेरी ट्रू। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे 5 टाइप की मछलियाँ फिश बॉल में रख सकते हो, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं रेकमेंड करूँगा मत रखो। लेकिन दोस्तों, कभी कोई ऐसा होता है कि आप एक्वेरियम शॉप में चले गए, आपको मछली अच्छी लगे छोटे वाले जो मैं बता रहा हूँ जो फिश बॉल में रख सकता है, और आपने खरीद दिया और आपके पास जगह नहीं है, तो क्या करोगे? तब तो आपको रखना पड़ेगा ना थर्ड टाइम के लिए एटलीस्ट। तो मैंने अपना जो है गप्पीज, 7 गप्पीज 10 दिन या 15 दिन से मैं फिश बॉल में रख रहा हूँ और मेरे गप्पीज बिल्कुल हेल्दी है, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन आपको कैसे रखना है ये आपको पता होना चाहिए, या फिर तो आप हर अल्टरनेट डे जो है 50% ऑफ वाटर चेंज कर लीजिए, या फिर 30% ऑफ वाटर एटलीस्ट चेंज कीजिए हर अल्टरनेट डे में। अगर आप नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट आप 3 दिन में तो एक बार कीजिए, और एवरी वीक पूरा आपका जो बाउल है उसको क्लीन कीजिए, आपकी मछली को कुछ नहीं होगा। दोस्तों चलिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने फिश बॉल को किस तरीके से क्लीन करता हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों आप जो फिश बॉल देख रहे हो इसको सेटअप किए हुए 1 वीक से 10 डेज हो चुके हैं। इसमें 7 गप्पीज मैंने डाले थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, मैंने लिंक ऊपर और डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अभी पानी मैंने आधा कर लिया है क्योंकि मुझे साफ करना है, तो हाफ पानी मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। और साथ ही मैं अपने प्लांट्स को भी दिखाना चाहता हूँ, तो आप प्लांट्स को देख सकते हो। दोस्तों जो मेरे वाटर लेटर्स है वो सड़ रहे हैं, उसके लीव्स मैं बताता हूँ। और बाकी जो प्लांट्स आप देख रहे हो जो जल गए हैं, वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो मैंने LED लगाया था उसका पावर काफ़ी ज़्यादा था, जिसके वजह से जो काफ़ी लीव्स जल गए। और नीचे देखिए ये पत्ते सड़ रहे हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं, तो अभी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों प्लांट्स मेरे बहुत ही अच्छे ग्रो हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही हुआ कि जो लाइट का पावर था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर अभी मुझे वो समझ में आ गया। इसकी वजह से जो है ग्रोथ अच्छी हुई, लेकिन कुछ पत्ते जल गए। और ऊपर देखिए ये प्लांट, आप देखिए इसको, आप अगर पहले बार वीडियो देखोगे ये देखिए ना बॉल से कितना ऊपर आ चुका है। तो ग्रोथ तो काफ़ी बढ़िया हुई, लेकिन वही ऐसा हुआ कि मतलब ये देखिए इसका जो ये भी है ना, ये काफ़ी नीचे है, मतलब इसको ऊपर भी नहीं रख सकते। बट ठीक है, इसको हम लोग लो भी नहीं कर सकते, हाई भी नहीं कर सकते, तो लाइट का यही प्रॉब्लम है। बट हमें अभी टेक केयर करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो आप नीचे देख सकते हो ये रूट्स इतने बढ़िया ग्रो किए हैं। ये रूट्स के वजह से जो है हमारे फिश को बहुत अच्छा हाइडिंग प्लेसेस मिला और बहुत ज़्यादा हेल्थी भी ये ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी मिल रहा था इनको बहुत अच्छी तरीके से। तो लाइक जितने भी मैंने प्लांट्स लगाए थे सब अच्छे ग्रो किए और नीचे बर्ड्स भी निकल रहे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। लेकिन यही प्रॉब्लम हुआ कि लाइट का जो पावर था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और साथ ही मैं आप मेरे मछलियों को देखे, जिनको ये डाउट होता है कि मछलियाँ मर जाते हैं, मैंने तो 7 गप्पीज रखे हैं, वो भी नियन गप्पीज। और इनके कलर्स देखिए, इनके साइज़ देखिए, आप कंपेयर कर सकते हो 10 दिन पहले का वीडियो के साथ, तो सब जिंदा है, मस्त ग्रो कर रहे हैं। तो अभी मैंने पाइप से जो है यहाँ से सक करके जो है पानी बाहर निकालने के लिए मैंने रख दिया है, ये बाथरूम में डायरेक्टली। तो इस पाइप से जो है यहाँ पे पानी जम रहा है, यहाँ पे मैं जो है मछलियों को रखने वाला हूँ जब तक कि हमारा टैंक साफ़ होगा, फिश बॉल साफ़ होता रहेगा। और ये देखिए अंदर कितने सारे लीव्स है और ये पूरा गंदा हो चुका है, इसको मुझे क्लीन करना है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1 वीक या 10 डेज़ के बाद इस बॉल को साफ़ करने वाला हूँ। और आप देख सकते हो लेमना माइनर भी नीचे है, तो इन लेमना माइनर्स को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए आप सिर्फ पत्तों को देखिए, प्लांट्स तो हमारे सारे हेल्थी है, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पत्ते जो है थोड़े जलने लगे हैं। तो ये भी जो है ग्रो कर ही रहा था, उसके रूट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, इसलिए मैं इनको रखने वाला हूँ, 2 दिन ही रखने वाला, ज़्यादा नहीं रखने वाला इस बार। लेकिन इनको रखने से पहले जो है इनका जो भी पत्ते हैं जो जल गए हैं उनको हम लोग काट लेंगे। तो ये देखिए रूट्स मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, कितना अच्छे से जो इनका रूट्स यहाँ पे ग्रो हुआ है, देख रहे हो आप। और साथ ही मैं आपको छोटे छोटे बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे जो अभी ग्रो हो रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो भी पत्ते हैं जल गए हैं उनको हम लोग छांट लेंगे और यहाँ से मैं काट दूंगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है। तो इसको काट के इसके स्टेम को जो यहाँ पे फिर से लगा देंगे और फिर से जो है वहाँ से फिर रूट्स निकलना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली इसके साथ भी वही करने वाले हैं। और इस बार मैं आर्टिफिशियल प्लांट नहीं रखने वाला क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, और ताकि उन लोगों को ज़्यादा स्पेस मिले। और मैंने ट्रांसफ़र कर लिया इन 7 मछलियों को, आप देख सकते हो इनके कलर्स और कितने हेल्थी है, और 7 के 7 मछलियाँ जो है जिंदा है बहुत ही अच्छी तरीके से, फिश बॉल में मैंने रखा था राइट। अभी इसको कैसे क्लीन करना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इनको ये जो स्टोन्स होते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा गंदगी रहता है। इनको गर्म पानी से देखिए, यहाँ पर गर्म पानी डालो और कितनी गंदगी निकल रहा है आप देख रहे हो। आप इसमें जब आप साफ़ करोगे ना, जस्ट गर्म पानी डालिए और इस तरीके से साफ़ कीजिए। शैम्पू डिटर्जेंट वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें,
सिमिलरली फिश बॉल को भी आप गर्म पानी से ही धोइए, बिल्कुल भी शैम्पू या अलग डिटर्जेंट का इस्तेमाल ना कीजिए, नहीं तो फिसल के आपके हाथ से गिर जाएगा और टूट भी जाएगा। और अगर आप शैम्पू वगैरह से धोएंगे भी ना, काफ़ी टाइम लगता है उनको निकालने के लिए, तो बेटर है कि सिर्फ गर्म पानी से वॉश कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसका जो आउटर सरफेस है ग्लास का उसको अच्छे से साफ करना है, तो आप इसमें हार्पिक या फिर तो कोई भी डिटर्जेंट, मतलब कि जो भी एसिड डिटर्जेंट होता है, वो आप यहाँ पे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो और थोड़े टाइम के बाद छोड़कर आप इसको जो है क्लीन कर सकते हो। और सबसे बेस्ट आप कोलिन भी यूज़ कर सकते हो। एनीवेज मैं यहाँ पे पत्थर डाल देता हूँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैं पत्थर डाल रहा हूँ। इस बार आर्टिफिशियल प्लांट हम लोग नहीं डालेंगे, तो इसको अलग से रख देते हैं। और ये प्लांट्स आप देख रहे हो, इनको अभी मुझे क्लीन करना बाकी है, यानी कि इनके जो भी पत्ते जल चुके हैं उनको मैं काट लेता हूँ। और इस तरीके से काटने के बाद मैं इसको साफ़ कर लूँगा और हम लोग जो है इसके स्टेम को जो है, जो मैं अभी बीच में से काटने वाला हूँ, जैसे कि ये मैंने काट लिया, इसको मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगा और पत्थर से जो है थोड़ा सा और भर दूंगा। और कुछ दिनों में इसमें रूट्स भी आने लगेगा एनीवेज, क्योंकि ये स्टेम से ग्रो हो जाता है हाइग्रोफिला। सिमिलरली दूसरे वाले को मैंने कर लिया है, तो दोनों तैयार हो चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और अभी हम लोग जो है वाटर लेटस के पत्तों को भी काट देंगे, जो भी पत्ते जल चुके हैं या सड़ चुके हैं उनको यहाँ से निकाल लेंगे। और हम लोग इस बार जो है वाटर लेटस 2-3 ही रखने वाले, ज़्यादा नहीं रखने वाले। तो हो चुका है, तो इस तरीके से जो है मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया, निकाल लिया है, और अभी हम जो है इनको फिश बॉल में डाल देंगे। तो फिश बॉल में इस बार बीच में मैं ये वाटर एरेशन का रखने वाला हूँ बबल, तो इसको बिल्कुल बीच में रखेंगे, लास्ट टाइम मैंने पीछे रखा था। और साइड में एज़ यूजुअल मैं इन दोनों प्लांट्स को रखता था ताकि उनको मैक्सिमम स्पेस मिले। और दोस्तों आप देखना 2-3 दिन के बाद इनका ग्रोथ, वैसे भी हाइग्रोफिला बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स है, तो जल्दी से ग्रो हो जाएंगे। तो ये तैयार हो चुका है बिल्कुल, आप देख रहे हो। एंड अब वक्त आ चुका है पानी डालने का। दोस्तों आप कितना भी साफ पानी डालो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो है आपको ऐसा ब्लरी विजन टाइप का आता ही है, क्योंकि आप सब कुछ वॉश करके अभी डाल रहे हो, एकदम क्लीन वाटर आपको इमीडिएटली नहीं मिलने वाला। तो हम लोग पानी डालने के बाद इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, लेकिन हम 2 घंटे के लिए छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एंटी ईच और सॉल्ट डालकर हम मोटर ऑन करके इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और आप देखना 2 आवर्स के बाद पानी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और फिर फिश को एक्वाटेन करके इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों पानी डाल दिया है और यहाँ पे एंटी ईच है और सॉल्ट है, तो इसको डाल देते हैं। अभी से पानी क्लीन मुझे लग ही रहा है, अभी आधा घंटा ही हुआ है, तो इसको डालकर यहाँ मोटर को ऑन रखते हैं 2 घंटे के लिए, और इमीडिएटली हम मछली नहीं डालेंगे। 2 घंटे के बाद हम मछलियों को एक्वाटेन करके इसमें डाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है मैं क्लीन करता हूँ। मुझे पता नहीं कि आप लोग कैसे अपने फिश बॉल को क्लीन करते हो, आप लोग का प्रोसीजर क्या है। आप लोग अगर कुछ लगता है कि एडिशनल चीज़ें इसमें होनी चाहिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर ज़रूर बताना। तो दोस्तों वेट करते 2 घंटे का और फिर मछलियों को डाल देंगे। तो दोस्तों आफ्टर 2 आवर्स आप देख सकते हो पानी पूरा क्लीन ही लग रहा है मुझे, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। और अभी प्लांट्स को भी देखिए, है ना, तो ऐसा लग रहा है पूरा एडजस्ट हो ही रहा है। चलिए देख लेते हैं मछलियाँ क्या कर रही हैं। तो यहाँ से पहले तो मैं इनको निकाल लेता हूँ, और ये फिश जो है बेचारे सब नीचे है, मतलब दुखी है ऐसा लग रहा है। तो चलिए इसमें इनको डाल लेते हैं एज़ यूजुअल, और सारे के सारे आ गए यार, ग्रेट। तो इनको जो है देखिए दोस्तों, फिश की क्वालिटी देखिए, और सबके सब हेल्थी है, बड़े भी हुए हैं थोड़े से। इनको हम जो है यहाँ एक्वाटेंट होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट, दैट्स इट, और फिर इनको छोड़ देंगे, और फिर आपको दिखाऊंगा फाइनली। और तब तक मैं यहाँ पे मेन वाली वाटर लेटस को भी डाल देता हूँ, जो 2-3 ही डाल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ इस बार। इनको डाल देंगे और लाइट को थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करेंगे ताकि इनके पत्ते इस पर जल ना जाए। तो दोस्तों हो चुके हैं 15 मिनट, और मैं अभी मछलियों को डालने वाला हूँ। स्लोली मैं ऊपर से डाल देता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने मछलियाँ कितने खुश हैं। और आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल जो हमेशा आप याद रखिए, जिससे आपकी मछलियाँ कभी नहीं मरेंगी। तो जैसे कि मान लीजिए आपको मछलियों को खाना देना है, मान लीजिए मैंने 4 ही लिए, ठीक है, ऐसे दाना यही होंगे आपके पास, तो फिर आप जो है इनको पहले तो पाउडर कर लीजिए। और कपीज़ है तो हम क्या करेंगे, 1 दाने यहाँ से लेंगे और मोटर ऑफ करके यहाँ डाल देंगे। वेट कीजिए इनको ये ख़त्म होने तक। जब ये पूरा खाना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा दाना उठाइए और फिर इसी तरीके से यहाँ पे डालिए। इससे क्या होगा कि ऊपर जितने भी खाना है ये तो ख़त्म कर ही रहे हैं, और एक भी दाना जो है नीचे बॉटम पे नहीं जाएगा। ये जब नीचे गिरता है ना दाना, उसके बाद जो है यहाँ पे सड़ने लगता है, और फिर जो है अमोनिया जनरेट होने लगता है, और ये जो है पूरा पल्यूट कर देता है।
तो बेस्ट आइडिया है एक एक दाना खिलाइए इनको, क्योंकि मछलियां भी कम है। इस तरीके से आप 7, 8, 9, 10 दाना आराम से खिला सकते हो। थोड़ा थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लाइक 5 मिनट या 10 मिनट आपको टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन दोस्तों इससे क्या होगा, आपका जो ये फिश बॉल है बिल्कुल गंदा नहीं होगा। तो दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में, मैंने आपको पूरा कोशिश किया दिखाने के लिए कि किस तरीके से क्लीन कर सकते हो आप आपके फिश बॉल को और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एक फिश बॉल को क्लीन करने के बाद, और प्लस खाना कैसे देना है। तो दोस्तों आपको होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय बाय।